ग्रीन कलर की मतलब कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मेरी आवाज सुनेंगे आप, माइक्रोफोन की आवाज होगी, अब आगे सुनना। तो हेलो गाइस, इतनी रेंज है इसकी तो आप देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ आप, मैं तो सुन। हेलो गाइस, तो आज के हमारे वीडियो है माइक्रोफोन के ऊपर कि ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो है। तो आपको कहाँ से लेना चाहिए और कितने प्राइस में रेंज में आता है, और ये इसकी वर्किंग करके दिखाएंगे हम, ये कैसे चलता है, इसकी आवाज़ नोइजलेशन के लिए सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप हमारी आवाज़ देख रहे हैं, तो हैंड फोन की आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर बाद में माइक्रोफोन की आवाज़ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी आती है, इसलिए फ्लिपकार्ट से मंगवाइए। तो ये पहले खोल कर दिखा देते हैं, ये देखते हैं बॉक्स। तो इसमें ये प्लग आ जाता है, तो आप आईफोन पे कनेक्ट करने के लिए प्लग आता है। मैनुअल गाइड आती है, कैसे यूज़ करना है इसके अंदर। तो ये आपका वायरलेस माइक्रोफोन है, इसके अंदर एक आपको ये रिसीवर मिल जाता है, टाइप ये टाइप सी का होता है कनेक्ट करने के लिए। और आईफोन में कनेक्ट करना है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ये ऐसे यहाँ कनेक्ट करके अपने आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो। तो हम कनेक्ट करते हो, इसकी आवाज़ भी सुना कर दिखाएंगे कि क्या फ़र्क आता है। इसमें आपको ये माइक मिल जाता है, दो माइक मिलते हैं, या दो माइक, सिंगल माइक का भी आता है वो भी खरीद सकते हो, और डबल डबल माइक का खरीद सकते हो। डबल माइक का खरीदने इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए या लाइव शो के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप डबल माइक खरीद सकते हो। तो अब हम इसको यूज़ करके बताएंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले तो इसका यूज़ होता था कि एक बार क्लिक करते कनेक्ट होने के बाद वन क्लिक एक ब्लिंक होता था, दो क्लिक में सेकंड ब्लिंक होता था, थर्ड ब्लिंक, अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं आता। इसमें आप सीधा ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो ऑन करने के लिए हमारे पास आईफोन है, तो हम इसमें कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको 3 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करना है कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, ये कनेक्ट होने के बाद से ओनली ग्रीन कलर की जलेगी, लगा दिया। तो ये हमारा आईफोन में कनेक्ट हो गया। ये देखिए, सिर्फ ओनली ऑन ग्रीन कलर की मतलब कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मेरी आवाज़ सुनेंगे आप, माइक्रोफोन की आवाज़ होगी, अब आगे सुनना। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब, आपका हमारे चैनल जेपी ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आवाज़ माइक्रोफोन की है, अब इसकी रेंज भी दिखाते हैं, कहाँ तक कितनी रेंज तक जा सकता है। तो कैमरा लेके आ जाए, तो हम देख सकते हैं कहाँ पर यहाँ कितनी रेंज है इसकी, तो आप देख सकते हो गाइज, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ आप, मैं तो सुन नहीं सकता मेरी आवाज़, लेकिन आप तो सुन सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ तक कि ये लगभग मैं 15 से 20 मीटर की रेंज में आ चुका हूँ, और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही होगी। तो यहाँ 20 मीटर की रेंज इसमें दिखा रखा है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, और आवाज़ कैसी आ रही, नॉइज कैंसलेशन कैसा आ रहा है, भारी यहाँ शोर शराब थोड़ी आवाज़ हो रही है, पक्षियों की भी आवाज़ हो रही है, तो वो आवाज़ उम्मीद करता हूँ कि ये बंद हो गई होगी नॉइज कलेक्शन में। तो ये एक क्लिक करते ही ये कनेक्ट हो जाएगा, इसमें 2 बार या 3 बार क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्लिक में इसमें नॉइज कलेक्शन होने लगे। ये दोनों पंखे चल रहे हैं, ये दिखा देना पंखे, ये दोनों पंखे चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये आवाज बिल्कुल स्लो हो गई है, बिल्कुल स्लो ना के बराबर हो गई आवाज। तो ये फर्स्ट क्लिक में ये देखो आप कनेक्ट है, फिलहाल आवाज आ रही है, मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ, थोड़ी तेज आवाज आ रही है। अगर फर्स्ट क्लिक में तो आवाज को म्यूट हो जाएगी, उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो एक रेड बत्ती जलेगी और फिर ग्रीन बत्ती जलेगी, तो
तो इसका मतलब ये सराउंडिंग मोड पर हो गया। अब हमारी आवाज देख रहे, ये इको मोड सराउंडिंग मोड पर हो गए माइक। अब वो ऐसी आवाज आ रही है सराउंडिंग वाली, इको वाली, और जो गूंजती है ना वो आवाज आ रही है। तो अब वापस दो क्लिक करेंगे तो वापस एक बार रेड जल के ग्रीन हो जाएगा, तो वापस नॉइज कलेक्शन मोड पर आ गया ये माइक। और फर्स्ट क्लिक में ये म्यूट हो जाएगा, आवाज हमारी बंद हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसकी आवाज सब कुछ बढ़िया है, इसे सारे रिजल्ट रिजल्ट बढ़िया है, और यहाँ 20 मीटर की रेंज तक ये आराम से पहुँच सकता है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है, रेंज में भी इसके ठीक ठाक है। लेकिन अगर अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं, ये 1000 रुपये के बजट में आएगा। 900 मैंने खरीदा था, ये 929 रुपये का था, तो कुल चार्ज लगाकर 936 रुपये पे करे थे मैंने। तो ये कुल मिलाकर ठीक ठाक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर 930 रुपये का है ये, कुल मिलाकर ठीक ठाक है ये, और अपनी बजट में भी है। और साथ ही साथ अगर आपको खरीदना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें एक ही दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं कह सकते लेकिन सब कुछ कुल मिलाकर ठीक है, हमने यूज़ करके भी दिखाया आपको। अगर इसमें पर वारंटी नहीं आती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप वारंटी चाहते हैं तो आप कोई दूसरा बाइक ले सकते हैं, लेकिन इसमें वारंटी नहीं आएगी। बाकी कुल मिलाकर ये सही है, अच्छी आवाज़ है और अच्छी रेंज है, और आगे कुछ दिन बाद हम बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। और खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।